हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी फ्यूचर मैकर साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त फ्यूचर मैकर जी के प्रबंधक राधे श्याम जी की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। उनकी टीम के जो प्रमोटर थे उनके द्वारा कुछ ऐसे गलत कार्य करे गए जिनके आधार पर इस वक्त उनकी जमानत का जो मसला था वो कुछ आगे जा बढ़ चुका है और कुछ ऐसी परेशानियां आकर उनके सामने खड़ी हो गई हैं जो उनके सहयोगी साथियों ने उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की। तो दोस्तों, इस वक्त की जो हालात हैं और उसके आधार पर जो हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं वो ये है कि ईडी ने 261 करोड़ रुपए की संपत्ति को संकलन किया है, जिसमें फ्यूचर मैकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इसके दो निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से संबंधित आवासीय भूखंड और कृषि भूमि शामिल है, जो लगभग 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से संबंधित एक फौजी स्कीम मामले में चल रहे हैं और 3,000 करोड़ रुपए संकलन गुण सिहार, आदमपुर, कुंबल, दिल्ली और चंडीगढ़ में फैले हुए हैं। ईडी की कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 PML के प्रावधानों के तहत तेलंगाना पुलिस द्वारा कंपनी और उनके निदेशक राधे श्याम और बंसीलाल के खिलाफ 2019 में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट FIR के आधार पर हुई। एजेंसी ने कहा कि राधे श्याम को पिछले साल दिसंबर में हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था। साइबाबाद आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों के अनुसार राधे श्याम अभी तक न्यायिक रिमांड में है, क्योंकि उन्हें मामले में सिलसिले में एक राज्य से दूसरा राज्य ले जाया जाता है और अन्य को जमानत मिल सकती है। हम अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराधों पर रिपोर्ट करने के लिए फॉरेंसिक्स साइंसेज लैब की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम 4 या 5 दिनों में ऐसा ही होने की उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार जब ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम चार्जशीट अदालत में दाखिल करेंगे। और मामले से परिचित एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आम जनता को ठगने के लिए FIR दर्ज की गई है, जिसमें प्रति माह 20,000 रुपये और 10,000 रुपये कमाने के जीवन का अवसर और निर्दोष 10 करोड़ रुपये कमाने का निर्दोष जनता आमंत्रित करने के लिए आड़ में अपनी फौजी पैरामिड योजना सदस्य बना के झूठे विषय प्रचार किया गया और कहा गया कि सूट लंबाई खाद्य उत्पादों जैसे बेकार उत्पादों को बेचकर स्तरीय विपरीत प्रत्यक्ष बयान में कहा गया कि उन्होंने अपने कमीशन मॉडल व्यापार प्रचार